जगा नहीं थी बाबू, थोड़ा जग गया ना, नींद नहीं आ रही हमें। तो ये क्या बोल रहे हैं, अच्छा रुको ना हम आ रहे हैं। हम बोले कहाँ आ रहे हैं, काजल के पास। बताइए कौन है इनका काजल। दोस्तों इतना हंसी लगा, इतना हंसी लगा मत पूछिए। फिर हम सोचे कि नींद में है, हम क्या इनको जगाए। वो क्या एलर्जी है नहीं है कि हम लोग कोई भी चीज करते हैं तो आदमी को लगता है कि वो ना करे, सिर्फ हम ही करे, ठीक ना। तो इस तरह सोचना नहीं चाहिए। देखिए आदमी इस धरती पे आए ना तो कोई कुछ लेके नहीं जाएंगे, सब खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे। हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? पर ऐसा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे तो दोस्तों हालत बड़ी खराब है, खांसी सर्दी से क्या ही बताइए। वो तो हम दिखाएं आप लोगों को दोस्तों, सुबह में मतलब जग नहीं रही थी इतना ज्यादा, 10 बज रहे हैं। तो अभी हम सोचे कि सोने से कुछ फायदा नहीं, कल भर दिन भी सोए तो पूरा थकावट से लग रही थी, तो इसीलिए सोचे चलिए सवेरे नहा लेते हैं, इनके बाद दिमाग। जब से नहाई है तब से जो है ना थोड़ा ठीक है। देखिए ऐसे भी खाना पीना नहीं खाएंगे तो फिर शरीर में ताजगी कहाँ से आएंगे क्या? हाँ, वो तो है। तो इसीलिए हम सोचे नहा सुना के खाना वाना बनाने वाले है कोई नहीं बेचारा के लिए, क्या करेंगे, हमको दया लगने लगते है बेचारा कुछ भी करते हैं। तो चलिए खैर कोई दया लगते हैं। ऐसे तो मेरा वीडियो आप सभी को दिखाई होंगे ना, दिखाए बनाए हैं ना, बनाए थे तभी बहुत ज्यादा मतलब माथा लहर रहे थे और अभी भी लहर है, बहुत तेज लहर है अभी भी माथा। खैर कोई बात नहीं, अभी हम पूरा ठीक हैं फिर भी आप लोग की दुआ से। और आप लोग को आज एक ऐसी बात बताएंगे ना कि आप लोग को बहुत ज़्यादा हंसी लगेगा। क्यों हंसी लगेगा, क्या बात है आप लोग को बता देते हैं कि इनका प्रेम कहानी अजूबा प्रेम कहानी है दोस्तों। आप सभी को देखिए हम झूठ नहीं बोलते हैं दोस्तों। रात में सोए थे ये, तो हम कल दिन में सो गए थे ना, तो इस वजह से हमें नींद नहीं आ रही थी जल्दी, तो हम और पेट भी दर्द कर रहे थे, रात में खाना भी नहीं बनाए थे, इतना रू चावल खाए थे ना। चलिए भांजा फोन कर रहे हैं तो उठा लीजिए। दोस्तों इतना ढूस चावल था बस खाए, वो भी खाया नहीं गया, सोचे कि दूध पी के टेबलेट खा लेंगे, लेकिन नहीं, मतलब पेट बहुत ज्यादा दर्द करने लगा था खांसी की वजह से, इतना ज्यादा खांसी हो रहा है, इतना ज्यादा कि मत पूछिए। तो इसी वजह से और इन जब इस सो गए तो हमको नींद ही नहीं आ रही थी, तो हम सोचे हम क्या करें अकेले, तो थोड़ा सा वीडियो सब देखने लगे, इनके बाद फिर मन अक्कच हो गया, फिर थोड़ा सा गेम खेलने लगे, गेम खेल के तब फिर इनको जगाए नहीं कि बाबू थोड़ा जग गया ना, नींद नहीं आ रही हमें। तो ये क्या बोल रहे हैं, अच्छा रुको ना हम आ रहे हैं। हम बोले कहाँ आ रहे हैं, काजल के पास। बताइए कौन है इनका काजल। इतना हंसी लगा मत पूछिए। फिर हम सोचे कि नींद में है, हम क्या इनको जगाए, दिन में समय ऐसे बोलते हैं ना तो याद आ गई होगी कोई भी चीज, ऐसे भी स्वप्न अपना थोड़े होता है। तो फिर ये अब ये जगे ना, तो बोले कि आरती एक बार बताएं, तो हम बोले क्या, तो बोले ठीक है जाइए ना, हम तब तक दोस्त लोग से बता रहे हैं आपकी पूरी कहानी, ठीक है। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं, भांजा आए हैं तो उन्हीं को लेने के लिए जा रहे हैं, बस से आए थे, ऐसे बाइक तो दो बाइक यहाँ पे आए हैं और एक बाइक तो खराब है, उनको ठीक करवाना पड़ेगा। तब सुबह अभी जब जगे और हम थोड़ा सा नाश्ता बना रहे थे, हम सोचे नाश्ता खा लेते हैं और खाना बनाएंगे, तो ये बोल रहे थे कि आरती एक बात बताएं, हम रात में क्या सपना देख रहे थे। तो हमको भी याद आ गया, हम बोले कि हाँ हम भी आपको जगाए थे ना, तो आप हमें इस तरह बात बोले थे। तो बोले बोलो तो कौन सा बात, तो हम बोले तो बोले हाँ सच में हम मतलब तभी नींद नहीं पूरे थे, बट आंख मेरी नहीं खुल रही थी इसीलिए मतलब हम सपना आ रहे थे तभी कुछ, तो यही सब बात तो बताए। अभी खूब हंसी लगा तो सोचे चलिए दोस्त लोग से शेयर कर देते हैं, अच्छी वाली बात है, क्योंकि इसी तरह हम लोग में प्यार बने रहे, आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह दुआ बनाए रखे आप लोग, और जितना भी सपोर्ट कर रहे हैं दिल से धन्यवाद आप सभी को, और जितना भी कर रहे ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, इसी तरह आप लोग प्यार सपोर्ट देते रहेंगे। तो देखिए आदमी कोई भी सोचेंगे ना कि एक बाइक मंजिल पे चढ़ जाए तो नहीं होता है, धीरे धीरे जो चढ़ता है ना तो उनको बहुत मतलब टाइम लगता है, बट बहुत सीख भी मिलती है,
जिस वजह से आज हम लोग के साथ और हम लोग के पास सब कुछ रहते हुए पर भी, सब चीज रहते हुए पर भी और उतना जानकारी नहीं रहने के बावजूद आज हम लोग इतने फिर भी ठीक हैं। सोचिए एक तरह से फिर भी ठीक हैं हम लोग। ज़्यादा किसी कोई भी चीज़ हो हम लोग कोई भी चीज़ पे लालच नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग को कुछ भी रहता है, थोड़ा सा ही रहता है तो हम लोग उसी में संतुष्ट करके रह जाते हैं, ठीक ना। हम लोग कोई भी चीज़ पर, और पता नहीं हम लोग से आदमी सबको क्या एलर्जी है नहीं है कि हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं तो आदमी को लगता है कि वो ना करे सिर्फ हम ही करे, ठीक ना। तो इस तरह सोचना नहीं चाहिए। देखिए आदमी इस धरती पर आए ना तो कोई कुछ लेके नहीं जाएंगे, सब खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। और दूसरे खुश हो रहे हैं ना तो आप भी उसमें खुश हो के चलिए, और अच्छी बात, अच्छे हैं, खुश हो रहे हैं, बहुत कुछ ले रहे हैं, और भगवान करे कि सब आगे बढ़े। और किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए जिस तरह आजकल के इंसान कर रहे हैं। और दूसरे से आप ठग फूस के कमाए तो बहुत अच्छा, और अगर जो वो व्यक्ति जान गए तो उससे नफरत करने लगे उनका फुसुर फुसुर दूसरे के पास। खैर कोई बात नहीं, हम उतना ओलझोल पे नहीं जाते हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते कि हमें निक सुख से रखे, सुख शांति से रखे, वही बहुत अच्छी है। दूसरे क्या करते नहीं करते हम दूसरे पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि धीरे 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 बहुत कुछ समझ में आ गई है। जिस तरह पहले थे उस तरह अब नहीं है, नहीं तो पहले हमें कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता था, अब बहुत कुछ बर्दाश्त करने को सीख ली है मैंने। इसी तरह भगवान करे धीरे धीरे सब सीख ले, भले समय लगती। हाँ ठीक है, जा रहे हैं तो चलिए दोस्तों, अभी जा रहे हो लाने के लिए, तो हम थोड़ी सी गेट बंद कर देते हैं और नाश्ता भी खा लेते हैं। तो वीडियो को करते यहीं एंड, एक छोटा सा ब्लॉग है, आप लोग इसी में ढेर सारा प्यार दुला दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय।